नमस्कार, आप देख रहे हैं सियोला 24 न्यूज बुलेटिन। मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज के प्रमुख खबरों की। आज सीहोर में बारिश से नगरीय क्षेत्र में जगह जगह जल भराव होने से निर्मित समस्याओं से निपटने हेतु कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देश अनुसार एडीएम श्री विनोद चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आपात बैठक आयोजित की। वर्षाकाल के दौरान नगर में जल निकासी में उत्पन्न हुई बाधाओं, जल भराव क्षेत्रों में उत्पन्न हुई समस्याओं के कारण और निराकरण पर विशेष चर्चा की गई। आज नरसिंहगंज में मध्य प्रदेश शासन की योजना मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल एवं बकाया बिजली माफ योजना के अंतर्गत पंजीयन कराने के लिए हितग्राहियों की बिजली कंपनी कार्यालय प्रांगण में भीड़ देखी जा रही है। योजना के तहत हितग्राहियों को प्रतिमा 200 रुपए में बिजली मिलेगी एवं बिजली बिल माफ योजना के तहत 30 जून तक की बकाया बिल राशि माफ हो जाएगी। सरल योजना में पंजीयन के लिए असंगठित श्रमिक का बीपीएल राशन कार्ड धारक होना जरूरी है। वहीं बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री राजेश प्रसाद ने बताया कि इस योजना की खबर से हितग्राही सक्रिय हो गए और प्रतिदिन स्थानीय विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय में आकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। अभी तक 4040 उपभोक्ताओं का पंजीयन हो चुका है, जिन्हें जुलाई माह में योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ देने के लिए विभागीय स्तर पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। प्रदेश में हो रहे पत्रकारों पर हमले एवं शासकीय कर्मचारियों के द्वारा उनका अशोभनीय व्यवहार को देखते हुए एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के समस्त पत्रकारगणों द्वारा तहसील प्रांगण पहुंचकर नायब तहसीलदार एस आर देशमुख को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि बरेली मंडी सचिव सहित शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। पत्रकारों द्वारा बताया कि बरेली में हुए जिस तरह कृत्य किया गया वह निंदनीय है। हम संगठन की ओर से इसकी भर्त्सना करते हैं। साथ ही यह मांग करते हैं कि बरेली मंडी सचिव एवं उसके साथ जुलूस में साथ देने वाले शासकीय कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि आपको विदित है कि किस तरह विगत दिनों बरेली में श्रीमती रितु गढ़वाल द्वारा प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई एवं शासकीय कर्मचारियों ने उसका साथ देते हुए नारेबाजी की गई। जिस तरह शासकीय कर्मचारियों ने नियमों का खुला उल्लंघन कर पत्रकारों के लिए जैसा किया, भविष्य में वे शेष तीन स्तंभों के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसी को लेकर ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की है। नरसुल्लागंज से सीहोर लाइव 24 के लिए रमाकांत मंसूरिया के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। आज 29 जून 2018 को श्री अमरनाथ जी बर्फानी भोले बाबा के दर्शन के लिए पहला जत्था सीहोर से रवाना हो चुका है। दर्शनार्थियों में श्री साईं बाबा मंदिर संस्थापक सुनील धाड़ी, साईं सेवा समिति में गणेश चौहान, जितेंद्र मेवाड़ा, अमर सिंह वर्मा, अर्जुन वर्मा, वनप सिंह, राजन ठाकुर, मितेश धाड़ी, विकास राय सहित इंदौर और उज्जैन और आसपास के लोग शामिल हैं। सीहोर से भक्त परिवार के भक्तों ने बर्फानी भोले बाबा के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सीहोर से सीहोर लाइव 24 के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा चैनल है सीओ लाइव 24 न्यूज़ बुलेटिन। नमस्कार।